प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, पीएम आवास पर हुई मुलाकात, कश्मीर समेत राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आगरा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में गिरी बाइक, बाइक सवार की मौके पर मौत। यूपी में बारिश से किसानों का हुआ भारी नुकसान, तेज हवा के चलने से हो रही फसल की बर्बादी, जमीन को छू रही धान की फसल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर, मिशन यूपी पर फिर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कर सकती हैं ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज पूरे देश में मुसलमानों का पवित्र त्यौहार ईद ए मिलाद मनाया जा रहा है और 2 साल से लगातार देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही थी, इसीलिए भारत देश में किसी भी धर्म के त्यौहारों को परमिशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन देश में कोरोना की विदाई लगभग अब हो चुकी है और इसीलिए सभी राज्यों की सरकारें त्यौहारों में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी त्यौहारों में थोड़ी थोड़ी छूट देती हुई नजर आ रही है, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा, गणेश उत्सव, नवरात्र और आज मुस्लिमों का पवित्र त्यौहार ईद ए मिलाद के जुलूस को भी 400 लोगों की संख्या के साथ परमिशन दी गई है। इस परमिशन के साथ काफी उत्साह के माहौल में इस जुलूस में लोग काफी हर्षोल्लास के साथ जुड़े और कौमी एकता का प्रतीक संदेश भी यहां पर देखने को मिला। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की गुजरात की टीम ने ईद ए मिलाद के जुलूस की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और कांग्रेस के विधायक शेख और इमरान खेड़ावाला से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया और अभी फिलहाल मैं गुजरात का जो सीटी शहर की जाली जो दरगाह है वहाँ पे आया हुआ हूँ। जी हाँ, जिस प्रकार से जो जुलूस है यहाँ पे पहुँच चुका है और बड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ पे जुलूस आ रहा है, देखिए मैं कैमरे में इसको दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो जुलूस है जो परमिशन दी गई है गुजरात सरकार की ओर से और यहाँ पे जो जुलूस है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस की गाड़ियाँ आगे हैं और एग्जैक्टली उनके पीछे जो जुलूस जो मुस्लिम समुदाय का जुलूस है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और पुलिस की कड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ पे जो जुलूस है वो निकल चुका है और काफ़ी उत्साह है, जो मुस्लिम समुदाय है उनमें काफ़ी उत्साह का माहौल है और काफ़ी लोग यहाँ पे जुलूस से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में जुलूस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी संख्या में जो जनता है यहाँ पे जुड़ा। जिस प्रकार से जुलूस है पुलिस की कड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ पे निकल रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार से जो कांग्रेस के विधायक है जो यासुद्दीन शेख मेरे साथ जुड़ गए और मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जुलूस निकला गया गुजरात सरकार की ओर से परमिशन दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात को माना और हमने भी उनकी बात को मान के, आप देख रहे हैं कि 300 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्थित पालन करते हुए अपने मास्क भी पहना हुआ है और जो सत्य दिल का जो सिम्बोलिक था उस सिम्बोलिक को हम लोग मना रहे हैं और जो सबके लिए हमने टाइम में की, क्योंकि पैसे तो दोपहर में 2:30 बजे जुलूस निकलता है, अगर दोपहर में रखा होता तो हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते और हम लोग पूरी कंट्रोल नहीं कर पाते, व्यवहारिक तरीके से तमाम आगे वालों ने हमने तय किया कि हम वक्त जो है सुबह का रखेंगे और सुबह का रखने का मकसद एक ही था कि लॉ एंड ऑर्डर की डिसिप्लिन भी बरकरार रहे और कोरोना की जो सेकंड लहर में हम लोगों को बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ा है, बहुत लोगों की डेथ हुई है, तो जब तीसरी लहर की आशंका है तो ऐसे वक्त में कोई जोखिम लेना नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई ग्रुप या कोई गैर जवाबदारी निर्णय हमारे से हो जाए कि जिससे महामारी को बढ़ावा मिले, इसलिए आज के दिन हम तमाम लोगों को आपके माध्यम से ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा गुजरात प्रगति करता रहे, गुजरात देश का नंबर वन राज्य रहे और हमारा जो भारत देश है वो देश दुनिया की भी सत्ता बने, महासत्ता बने, ऐसी आज की निर्माण जो ये जुलूस है आ चुका है और काफी खुशी के साथ जो बैनर है ईद मिलाद उन नबी के सेंट्रल कमेटी का जो लेके जुलूस निकला है और काफी खुशी का माहौल है और काफी लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे, जिससे काफी खुशी निकला है, खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को परमिशन मिल गई है जुलूस की, तो बहुत खुशी हो रही है इस मिलाद नदी की। थोड़ी देर में जो ईद मिलाद का जुलूस है वो हाँ यहाँ पे पहुँचने वाला है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।
यूपी के कई जिलों में तेज हवा और दो दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो वहीं यूपी के देवीपाटन मंडल के चारों जिलों सहित गोंडा में बीते दो दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ मौसम खुशनुमा और ठंडा हो गया है तो दूसरी तरफ किसानों के चेहरे फीके पड़ गए हैं। किसानों के खेत में खड़ी धान की फसल तेज हवा के चलते गिर गई है और पानी में फसल गिर जाने से फसल सड़ने का खतरा भी बना हुआ है। गन्ने की फसल भी तेज हवा के चलने से बर्बाद हो रही है और ऐसे में निचले इलाकों में बारिश होने के चलते सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं जिला कृषि विभाग क्षति हुए फसलों का आंकलन करवाने में जुटा हुआ है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंकलन लगातार किया जा रहा है और जैसे ही आंकलन पूरा होगा शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो गोंडा की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तेज हवा और बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि दो से तीन दिनों से लगातार पूरे भारत में कई इलाकों में बारिश हो रही है, जहां पर कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो कहीं किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। गोंडा की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से तेज हवाओं और बारिश की वजह से किसानों की फसल जो पूरी तरह से तैयार हो रही थी वो अब गिर गई है, पानी भरने की वजह से खराब हो गई है। वहीं किसानों के चेहरे पर इस वजह से मायूसी भी आई हुई है। विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है और जैसा कि अभी पिछले सीजन में भी, इस सीजन में पहले भी बाढ़ आई हुई थी, बरसात और बाढ़ का आया था, इसमें हमने सर्वे कराया था और मंडल के लगभग सभी जनपद में, गोंडा में 76, बहराइच में, बलरामपुर में 70, बहराइच में 46, हम श्रावस्ती में 17 ग्राम प्रभावित हुए थे। और जो उस समय वर्षा हो रही है इसमें भी वर्षा जारी है और हवा भी चल रही है जिसमें क्षति की संभावना बनी हुई है। हमारा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्मिकों, बीमा कंपनी और राजस्व विभाग के साथ समन्वय बना करके इसमें सर्वे का काम कर रहा है और इस क्षतिपूर्ति का आकलन करने के पश्चात तुरंत पश्चात हम इसका बीमा के लिए भेजें, क्लेम के लिए भेजा जाएगा इसको। इसमें इस वर्षा से लगभग सही फसलों में नुकसान ही हो रहा है, धान में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि किसानों की फसलें कुछ कटी हुई हैं, कुछ कटने के लिए तैयार हैं, उसमें से नमी से सबसे ज़्यादा असर धान पर पड़ रहा है और उसी का सर्वे कराया जा रहा है, उसका फसल बीमा के थ्रू उनको क्लेम दिया जाएगा। ऐसे बहुत नुकसान है, बहुत तेज घमासान आंधी तूफान से गन्ना गिर गए, धान गिर गए, सब नष्ट हो गए और का मतलब है कि बड़ैला सुआ सब नुकसान कई दिन गन्ना और हर चीज़ पूरा पस्त हो गए। कितना पानी बरसा हो यान? अरे बहुत तेज बरसात है, काफ़ी तूफान, सब धान गिर गए, पस्त हो गए। आगरा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक दरअसल अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई और 50 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से 50 फीट गहरी खाई में बाइक गिर गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाइक को निकाला, लेकिन इस पूरी घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि बाइक सवार काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रहा था, ऐसे में बैलेंस बिगड़ने की वजह से 50 फीट गहरी खाई में वो गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को इस पूरे मामले की लोगों ने जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे सर बाइक आ रही थी बड़ी स्पीड से, उनमें कवर नहीं हुई, कवर होने के चक्कर नीचे खाई में जाके पलट गई, एक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार के साथ में कितने लोग थे? दो लोग थे। अच्छा, दूसरा व्यक्ति वो भी गंभीर हालत है, उसको भी चोट आई है, वो है अभी मौके पर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे। वहां पर उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच ये मुलाकात हो चुकी है और ऐसे में कैबिनेट की बैठक से पहले ये मुलाकात हुई और ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री पीएम मोदी के साथ कश्मीर समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री की ऐसे वक्त ये मुलाकात हुई है जब इससे एक दिन पहले सोमवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर करीब 6 घंटे लंबी बैठक की और इस बैठक में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक शाह ने छोटी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षण स्तर के चयनित फील्ड अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और पुलिस संगठन बंद कमरे में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को हुए दोनों हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। आपको बता दें कि लाल बाजार में हुई केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू और भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल की तफ्तीश एनआईए करेगी। ऐसे में बिंद्रू कश्मीरी पंडित है जबकि पासवान बिहार के मजदूर थे। जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को हुए दोनों हत्याकांड की जाँच अब एनआईए करेगी और लाल बाजार में हुए केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू और भेलपुरी बेचने वाले वीरेंद्र के हत्या की तफ्तीश एनआईए करेगी। ऐसे में आपको बता दें बिंद्रू कश्मीरी पंडित हैं जबकि पासवान बिहार के मजदूर हैं। इस बीच खबर है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन में है और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और एनआईए के डीजी के बीच श्रीनगर में कई बैठकें हुई हैं। एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह इन दिनों कश्मीर के दौरे पर हैं और डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने राज्य सरकार की MHA को लिखी चिट्ठी थी जिसके बाद पुलिस ने जानकारी दी थी कि NIA इस केस में आतंकी साजिश की तफ्तीश करेगी। हरदोई में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने भतीजी से दुष्कर्म के मामले में दोषी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इसकी आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शंडीला कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने अगस्त 2019 को शंडीला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि शंभूखेड़ा निवासी गुड्डू उसका बहनोई है और 28 मई 2019 को गुड्डू अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर गया था और इसी दौरान गुड्डू ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी देकर किसी को कुछ न बताने के लिए कहता रहा। इसके बाद आए दिन गुड्डू दुष्कर्म करता रहा और इस बीच बच्ची गर्भवती हो गई तो गुड्डू ने उसे गर्भपात की दवा भी खिला दी। इस दवा से बच्ची की हालत बिगड़ गई और गर्भपात हो गया। 24 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां ने जब पूछताछ की तो घटना का पता चला। इसके बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसे में न्यायाधीश ने पूरे मामले की सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर दुष्कर्म में फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। दरअसल फूफा ने ही अपनी भतीजी के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और काफ़ी समय तक इस घटना को अंजाम देता रहा, लेकिन जब बच्ची की मां को इसकी जानकारी मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसे में अब आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि 50,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। पीड़िता के साथ उसके सगे फूफा द्वारा बलात्कार कारित किया गया जो उसी के घर में रहते थे। जब इसकी FIR हुई 1/8/2019 को, उसके बाद जब न्यायालय में ये मुकदमा परीक्षण पर आया तो इसमें 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया और आज 18/10 को इस पर निर्णय आया है। अभियुक्त को आजीवन कारावास जो कि प्रकात काल तक रहेगा जब तक वो जीवित है और 1,00,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। पीड़िता को न्याय मिला है, न्याय की जीत हुई है।
रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में ठिठुरते यात्रियों के लिए कंबल देने की सत्कार परंपरा तो फिर से शुरू नहीं की, लेकिन इस बीच रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने यात्री सेवा वाली 57 ट्रेनों में कंबल किट बेचना जरूर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए यात्री इस 300 रुपए के बेड रोल को खूब खरीद भी रहे हैं और इस बेड रोल में एक सिंडिकेट कंबल, दो डिस्पोजल चादरें, तकिया, कंगी, तेल, पेपर सोप और टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इसे यात्री खरीदे और गए सामान की तरह घर ले जा सकते हैं। साथ ही अक्टूबर में जाने वाले लोग अब नवंबर में जिस तरह से ठंड आने वाली है इसको देखते हुए ये सर्वे शुरू की गई है। आपको बता दें कि सर्दियों की शुरुआत भर ने ही रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। दरअसल रेलवे ने कोविड के वजह से ट्रेन की रिजर्व बर्थों पर भी बेड रोल यानी कि कंबल, चादर, तकिया देना बंद कर दिया है। ऐसे में जो यात्री अपने साथ चादर ले जाना भूल जाते हैं उन्हें सारी रात ठिठुर कर बितानी पड़ती है। इसीलिए सर्दी की वजह से रेल यात्रियों की ओर से कंबल चादर की मांग काफी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी रेलवे बोर्ड ने अभी तक ट्रेनों में बेड रोल देने को हरी झंडी नहीं दी है। ऐसे में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभी यात्रियों की इस मांग पर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये सम्मेलन 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी कार्यक्रम की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान कई सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी सराहा। पीएम मोदी से टेलीफोन बातचीत के दौरान उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का अगुवा बताया। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक COP26 के इस बार बैठक में ग्लोबल वार्मिंग के स्तर और जलवायु शमन और अनुकूल वित्त से 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए रोडमैप, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रभावी उपायों को लागू करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 100 करोड़ रुपये हर साल देने के वादे की प्रतिबद्धता जैसे विषय सम्मेलन के एजेंडे रहने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्व त्यौहार के मौके पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग वापस आते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिहार वापसी के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपना RT-PCR जांच और टीकाकरण अवश्य करा ले। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कराएगा तो यहां कराया जाएगा। दरअसल पटना में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौर में भी देश के कई राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की मदद की गई है। पर्व त्योहार में बिहार वापस आने वाले लोगों के लिए कोरोना के प्रति सतर्कता को लेकर ये की जा रही तैयारियों के संबंध में पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व त्योहार में बाहर से काफी संख्या में लोग बिहार पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक राज्य में ये प्रचारित करने जा रहे हैं कि बिहार वापसी से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपना RT-PCR जांच और टीकाकरण अवश्य करा ले। पीलीभीत के नवीन मंडी स्थल पूरनपुर में धान तोलने को लेकर 29 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप धान खरीद लगातार की जा रही है। इसके लिए धान खरीद नीति के अंतर्गत धान खरीद भी जारी है और धान तोला भी नहीं जा रहा है। इसी के चलते पूरनपुर मंडी में किसान की तरफ से पूर्व में लाए गए धान की तौल नहीं की गई और अचानक हुई बारिश से किसान आहत हो गए हैं, जिसके चलते किसान ने सेंटर प्रभारी से धान तोलने को कहा तो सेंटर प्रभारी ने वारदाना ना होने की बात कही। इसी बात से परेशान होकर किसान ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद दूसरे किसानों और पुलिस ने किसान को फांसी लगाने से बचा लिया। यह
जैसे ही मुझे सुबह पता चला कि काश्कर फांसी लगाने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि उसकी समस्या थी उसका धान नहीं तोला जा रहा था। जो केंद्र प्रभारी हैं वो किसानों को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो मजबूर हो रहे हैं फांसी लगाने के लिए। उसको पहले कह दिया गया कि मेरे पास बारदाना नहीं है, बारदाने के बाद कह दिया गया मेरे पास डस्टर की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है। उस काश्कर को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि रस्सी लाकर फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोगों द्वारा पहुँच कर उनको रोका गया और उनकी जान बचाई जा सकी। अगर हम लोग जरा सी भी देरी कर देते शायद आज एक किसान की जान चली जाती। कौन से मंडी स्थल का मामला है ये? पूर्णपुर मंडी स्थल का मामला है और वहीं पे सेंटर जो पीसीएफ का सेंटर था उस सेंटर पे ये वारदात हुई है और आगे दूसरे सेंटरों का भी हाल बहुत बुरा है। सर आज जो राज जी आए थे उनको धान तोड़ने को कहा तो मेरे पास बारदाना ना होने के कारण उन्होंने कहा कि जो है मैं फांसी लगा लूँगा ये ऐसी समस्या, लेकिन प्रशासन आकर के यहाँ पे व्यवस्था करा के और उनका धान तोड़ गया। ये कौन से सेंटर का मामला है? ये पीसीएफ थर्ड है। कौन सी मंडी का मामला है ये? पीसीएफ थर्ड। कौन सी मंडी लगती है? मंडी पूरन। वे आगे महेश यहाँ के इंचार्ज हैं पीसीएफ सेकंड के, उनको ये कहा कि ये धान तोड़ लीजिए बरसात का मौसम है, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बारदाना भी नहीं है, डस्टर भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। तो जिसको लेके मैंने बार बार प्रशासन LIO कोतवाल साहब को, विक्रम CO साहब जो हैं उनको और SDM साहब को तुरंत अवगत कराया और उसके बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो थे मौन व्रत लेके बैठे हुए थे, कुंभकर्ण की नींद हो रहे थे, इधर बरसात हो रही थी, धान खराब हो रहा था, तो मैं इतना उत्तेजित हो गया कि मैंने सोचा कि इस धान को तुलवाने से अच्छा यह है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो मैंने फांसी के लिए कदम उठाया। किन लोगों ने आपको बचाया? मुझे गुरविंदर सिंह ने बचाया और हमारे जो SI हैं हमारे हलके के वो यहाँ पे हमें नजरबंद करे हुए हैं। अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र में 12 अक्टूबर को हुई डॉक्टर आस्था अग्रवाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आस्था की हत्या उसके पति अरुण अग्रवाल ने 3 लोगों को पैसे देकर कराई थी। आपको बता दें कि अरुण ने 1,00,000 रुपए में आस्था की हत्या कराना तय किया था, जिसके अवज में वो 60,000 रुपए दे चुका था। ऐसे में पुलिस ने अब मामले में मृतका के पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त अभी भी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहां से पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर उसकी स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 4 टीमें नियुक्त की गई जिन्होंने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हुए विवेचना की और उसमें यह निकल के आया कि जो मृतका डॉक्टर आस्था अग्रवाल थी उसी के पति अरुण अग्रवाल द्वारा अपने 3 अन्य साथी विकास पुत्र ओमपाल, पवन पुत्र रामप्रकाश, अशोक टशन द्वारा हत्या की गई थी और इस हत्या को आत्महत्या के रूप देने के लिए मारने के बाद रस्सी पर टांग दिया गया था। बलरामपुर के ब्लॉक शिवपुरा ग्राम सभा गोकोली गांव में वायरल फीवर से फिर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले 7 मासूम बच्चे सहित 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर इलाज करने के लिए पहुंची तो गांव वाले से देवी प्रकोप समझकर इलाज कराने से कतराते रहे। गांव वाले से देवी आपदा मान रहे हैं, जिसके चलते गांव वाले झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए हैं। हमें सूचना मिली आशा द्वारा कि गांव में 4 बच्चे एक्सपायर हुए, तो हमारी टीम के साथ हम लोग वहां पहुंचे तो वहां जो उस समय स्थिति थी तो दस्त और डायरिया के ही पेशेंट थे, इसमें से जो 2 बच्चे ख़त्म हो गए तो परिवार वालों से पता चला कि ये माताजी का प्रकोप है, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं गए और जो बच्चे सीरियस थे उन लोगों को हम लाके यहाँ मथुरा PSC पे एडमिट करा दिए हैं। सभी ठीक है, एक बच्चे की हालत अभी थोड़ा नाजुक है लेकिन कल से बेटर है जी। ये कौन सी बुखार है सर? अब देखने से तो डायरिया बुखार ही लग रहा है लेकिन हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग का भी हो सकता है। एक 3 साल का, एक 7 साल का। अच्छा, 2 बच्चे मर चुके हैं? हाँ, 2 बच्चे और 2 जनानी। अच्छा, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग आया? नहीं, कोई नहीं आया। ये कब मरे हुए हैं? कल।
आज 3 रोज मरे हुए। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग कुछ दवाई दिया या नहीं दिया? नहीं। इसका वजह क्या है, किस लिए? यही कहते हैं कि इसका सफाई रखो, घर कुरिया के रहता के सब सफाई रखो। नहीं किया। हाँ, नहीं किया अभी तक, नहीं दवाई नहीं जो है परसों हो जो है, हाँ कल हो इलाज ले गया है। हाँ हाँ, और यहाँ दवाई लोगों को दिया गया कि यहाँ 4 ठोर जो है खतरा हो गए। हाँ, तब जो है आए हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, 4 ठोरी जो है 4 आदमी मर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।